जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मुनीष कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में आज हम क्लास टू की फोर्थ यूनिट स्टॉर्म इन द गार्डन के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो कि आपको एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड बुक में दी गई है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल मुनीष कुमार द एजुकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ शॉर्ट ओवरव्यू द स्टोरी। सबसे पहले हम स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो बच्चे, स्टोरी में एक स्नेल होता है, स्नेल मीन्स घोंगा, जो कि अपने जो एंट्स है, अपने जो फ्रेंड्स हैं एंट्स, उसके पास विजिट करने जाता है, उनके साथ खेल रहा होता है कि तभी आसमान में बिजली चमकती है और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है। सारी चींटियाँ जो है एक पॉट के नीचे छिप जाती हैं और वो स्नेल को कहती है कि जल्दी जल्दी घर जाओ, आपकी जो मदर है वो चिंता कर रही होंगी, वरी कर रही होंगी। तो जो स्नेल है वो घर पहुंचता है अपनी मम्मी के पास। उसके मम्मी जो है एक वेल के पास स्टोन के नीचे बैठे थे, वहाँ पे वो चला जाता है और वो अपनी मदर को सारा कुछ बताता है कि उसने क्या क्या देखा, किस तरह बिजली लचकी, बिजली चमक रही देखी, किस तरह बारिश होती हुई देखी, है ना, वो सारा कुछ वो अपनी मम्मी को बताता है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वो सुनु सुनु। तो इसका आंसर है बेटे सुनु सुनु वॉज अ स्नेल, सुनु सुनु एक स्नेल था, घोंगा था। सेकंड, हु वो सुनु सुनु विजिटिंग। सुनु सुनु कहाँ पर विजिट कर रहा था? सुनु सुनु वो विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास। थर्ड, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग, चिंटियाँ कहाँ छिपी हुई थी? तो इसका आंसर है द एंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। नेक्स्ट है डिड सुनु सुनु गेट वेट, क्या सुनु सुनु भीग गया था? आंसर है सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, सुनु सुनु भीगा नहीं था। तो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट बेटे, आपको लेट्स टॉक की एक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 65 पे। डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक्स, पूछ रहे कि आप सुबह की सैर पे जाते हो? तो इसका आंसर अगर जाते हो आप यस डालना, अगर नहीं जाते तो नो। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन, क्या आपने कभी गार्डन में एंट्स को देखा है? ये तो देखा ही होता है बेटे एंट्स को, तो हम सब ने चींटियों को। यस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एंट्स को देखा है। वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी इन देयर होल्स, देखो कि वो कहाँ जा रही है और वो अपने होल्स में क्या लेके जाती हैं। तो इसका आंसर है बेटे दे गो टू देयर स्मॉल होल्स, वो अपने स्मॉल होल्स की तरफ जाती हैं। दे कैरी टाइनी ग्रेन पार्टिकल्स, वो बिल्कुल छोटे छोटे अनाज के दाने अपने साथ लेके जाती हैं। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक टीम टाइम की एक्सरसाइज दी गई है। डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स आफ्टर इट रेन्स, आपको पता है कि आप स्नेल्स को और अर्थवर्म्स को रेन के बाद ही क्यों देखते हो? सिट इन ए ग्रुप एंड डिस्कस, एक ग्रुप में बैठो और डिस्कस करो। बट इसका आपको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। इसका आंसर है बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विद वॉटर, क्योंकि जो स्नेल्स के और जो अर्थवर्म्स के जो होम होते हैं, जो घर होते हैं, वो पानी से भर जाते हैं। किस कब? बारिश के टाइम होल्स में रहते हैं ना, वो पानी से भर जाते हैं। उनके उनके जो होम्स है वो तो होल्स ही है ना, होल्स में सुराख, जो सुराख करके वो रह रहे होते हैं, बिल में रह रहे होते हैं, वो जो होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट आपको प्रेपोजिशन की एक एक्सरसाइज दी गई है। इन होता है में, ऊन होता है ऊपर, ऊन होता है पर, जैसे आपको यहीं पे पता लगेगा। अंडर होता है नीचे, बिहाइंड पीछे, और ओवर ऊपर से, जैसे ये कैट है ओवर है, ठीक है, ये क्या है बिहाइंड है पीछे, ये कहाँ है इन है, ये इन मीन्स अंदर, ये क्या है ये अंडर है, अंडर मीन्स नीचे, और ये ओन है, ओन मीन्स पर ऊपर। तो चलिए देखते हैं द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल, क्या आएगा ओवर द वॉल। द कैट इज डैश द डोर, क्या आएगा सॉरी पहले इधर, द कैट इज डैश द बॉक्स, क्या आएगा इन द बॉक्स। द कैट इज डैश द डोर, क्या आएगा बिहाइंड द डोर, पीछे है ना डोर के, बिहाइंड होता है पीछे। अब ये नीचे, द कैट इज डैश द स्टूल, क्या आएगा अंडर द स्टूल, और यहाँ पे द कैट इज डैश द सूटकेस, क्या आएगा ऑन द सूटकेस।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको लेट्स सिंग की एक्सरसाइज दी गई है, एक एक पोइम है जो कि हम पढ़ेंगे अभी, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई काइट आई लाइक टू प्ले, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। तो बेटे यहाँ पे इस पोइम में बताया गया है कि ईच आउट इन द गार्डन, एक बच्चा है ये कहता है कि गार्डन में मैं खेलना पसंद करता हूँ, क्या खेलता हूँ, बॉल के साथ, आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी बॉल को बाउंस करता हूँ करता हूँ हर एक फाइन डे, फाइन मीन्स जिस दिन दिन अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पतंग भी उड़ाता हूँ, एक बच्चा है जो कि एक बॉल के साथ खेलते हैं पतंग उड़ाते हैं, उसने एक ये जो पोइम है इसके थ्रू अपनी जो प्ले है उनको डिस्क्राइब की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बेटे राइटिंग प्रैक्टिस शीट दी गई है, इसको हमने प्रैक्टिस करना है, इसको हमने अच्छे अच्छे वर्ड्स में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में यहाँ पर इसको ट्रेस करना है। ठीक है बच्चों, ये आप खुद करोगे। रेन, रेन होती है बारिश, ट्री मीन्स ट्री होता है पेड़, कोट, कोट होता है बेटे कोट, आपको पता ही है जो पहना जाता है, शिप, शिप होता है नाव किश्ती, फील्ड, फील्ड होता है खेत, और प्ले, प्ले होता है खेल। तो दिस वॉज अ होल फॉर टूडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर, थैंक यू वेरी मच।